इंजीनियर रशीद साहब के साहबजादे ने रिक्वेस्ट की थी आजाद साहब से, और आजाद साहब ने उस वक्त शोएब साहब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको कहा था कि साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने सब को चल रहा था। बाद में मुझे समझ नहीं आता कि गलतफहमी कैसे, मैं तो एक दे चुका हूं, एक वेस्ट नोट मेरा 11 तारीख को निकला था और वो किसी चैनल ने लिया था, उससे मैंने कहा था कि हम मदद कर रहे हैं, और आज कुछ गलतफहमी हुई। मगर हमारे आज भी अभी स्पीकर लेके मेरे लोग जो है वो उड़ी में कोई मीटिंग हो रही है तो उसके लिए गए, मेरे ऑफिस से लिए चले गए, तो इसमें कोई है ही नहीं ये कि हम मदद नहीं कर। हम तो सिर्फ एक को, क्योंकि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, तो जब उससे रिक्वेस्ट की कि आजाद साहब से, तो आजाद साहब ने कहा कि आपकी मर्जी है आप क्या करो, तो हमने कहा जी कि क्योंकि एक है कि इंसानी मसला भी है, 5 साल से ही उसको जेल में रखा, वो ट्रायल कभी खत्म होगी नहीं, पहले शुरू भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं, और उसको छोड़ा जाए कि वो करता, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंजीनियर रशीद जो है बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है उनको शिकस्त देगा। ये मकसद था कहने का कि कोई गलतफहमी ना हो जाए, हमने मदद करके भी ये ना कहा जाए कि मदद नहीं की, हालांकि सारे हमारे वर्कर्स लगे हुए हर जगह, तो चाहे बीरू हो चाहे बांडीपोरा हो चाहे कहाँ हो, सारे जितने 16 की 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें हमारे वर्कर लगे, यही कहने के लिए कोई नहीं कहा। और उसे अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि मैं रिजाइन नहीं करता, उसको वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ऐसे किया कि उसे कहा नहीं अगर मुझे ये होगा तो मैं छोड़ भी सकता हूँ पार्टी, वो जज्बात में आपको कोई बयान दिया होगा, ऐसे ना उसको किसी ने मजबूर किया कि तुम पार्टी से निकाले जाओगे या तुम्हें इनडिसिप्लिन किया, जब हमारी शुरू से फिर तो मुझे निकाला जाता, क्योंकि शुरू तो मैंने किया, मैंने जब आजाद साहब के नाम पे उससे रिक्वेस्ट की कि आजाद साहब पे हमने एक बार उनको वोट दिया है, मैंने समझा कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी हेल्प की, तो डिसीजन हमने लोकली लिया, ये बात आपकी फुल सपोर्ट। इंजीनियर रशीद साहब वो कामयाब हो गए, और पहली बार ये भी बनेगा कि जेल से कामयाब, ये आप ये नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने फैसला कर लिया होगा कि वो शेख इंजीनियर रशीद को कामयाब कर, जहाँ कहा गया वहां हमारे लोग शामिल हैं, और उड़ी के तो मैं कहता हूँ कि सारे लीडर ही उसके साथ, बारामूला के सारे लीडर उसके साथ, मौका हुआ तो मैं भी जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा, नहीं तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव तो उनके साथ ही, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है।